आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन जे मेन्स के 10 अप्रैल 2019 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अपन के क्या कर रहा है, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो कि अपन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइन है, इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। द ऑर्डर पेयर ऑफ पी और क्यू, पी और क्यू का वैल्यू निकालना वो भी ऑर्डर पेयर में। तो चलिए सबसे पहले अगर आप गौर से देखते हो तो ये जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू जीरो पे जब कंटिन्यूस है यानी एफ ऑफ जीरो प्लस इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस और इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ये तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए और वो भी फाइनाइट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए एफ ऑफ जीरो प्लस बताइए, एफ ऑफ जीरो प्लस किसके बराबर है, या गया अपने लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, और यहाँ से सॉल्व कर लिए तो यह अपने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यह गया माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर, और होल अपॉन में अपने किसके बराबर है, तो होल अपॉन में एक्स की पावर में 3/2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको गौर से देखें जो जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट बन रहा है, तो जब ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट बन रहा है तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, यहां से रूट एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो यहां से अपने के अंदर से एक्स कॉमन लेंगे तो बाहर रूट एक्स आएगा, रूट एक्स पूरे में से कॉमन लेंगे तो अपने के अंदर क्या जाएगा 1 + x के बराबर, हाँ या ना, और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने किसके बराबर जाएंगे, तो होल अपॉन में x की पावर में 3/2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर आप गौर से देखते हो तो ये और ये अपने के पास 1 times में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी 1 times नहीं x टाइम्स में, हाँ या ना। ठीक है, जब ये x टाइम में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, फिर से जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट बन रहे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x के बराबर हो जाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए 1/√x और अपॉन में अपने क्या 1 के बराबर, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ जीरो प्लस किसके बराबर हो जाएंगे अपने के पास 1/2 के बराबर, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे एफ ऑफ जीरो प्लस आ गया 1/2 के बराबर, यहाँ से जीरो प्लस किसके बराबर जाएंगे तो 1/2 के बराबर, अब एफ ऑफ जीरो किसके बराबर है तो क्यू के बराबर, यानी क्यू अपने क्या किसके बराबर हो गया 1/2 के बराबर, हाँ या ना, कह सकते हैं कि क्यू इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो एफ ऑफ जीरो माइनस बताइए के बराबर, एफ ऑफ जीरो माइनस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस पे अपने के फंक्शन कौन से, दो पर साइन पी प्लस 1x प्लस टाइम साइन एक्स अपॉन क्यू के बराबर, क्या क्या अपने साइन पी प्लस 1x और प्लस टाइम साइन एक्स और अपॉन में अपने के किसके बराबर तो 1 के बराबर, सॉरी x के बराबर, अपॉन में x के बराबर, यहां से फिर से ये 0/0 फॉर्मेट बन रहे हैं तो इसमें अपने एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, जैसे लगाएंगे तो अपने के किसके बराबर आ जाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पी प्लस 1 × x के बराबर और इंटू में अपने क्या आ जाएंगे पी प्लस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स कॉस एक्स के बराबर, हाँ या ना, और होल अपॉन में अपने क्या आ जाएंगे 1 के बराबर, पी प्लस 1 ही है पी प्लस 2 है एक बार चेक कर लीजिए, पी प्लस 1 ही दे रखा है। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे अपने क्या आ जाएंगे तो एफ ऑफ जीरो माइनस पता है किसके बराबर, तो ये आ गया तो कॉस जीरो 1 के बराबर, यानी पी प्लस 1 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, कॉस 0 1 के बराबर, यानी आ गया पी प्लस 2 के बराबर, यानी कॉस एफ ऑफ 0 माइनस आ गया पी प्लस 2 के बराबर, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ये आ गया पी प्लस 2 के बराबर, तो यहाँ से अपने के पास पी प्लस 2 इक्वल टू आ गया अपने के पास 1/2 के बराबर, तो पी का वैल्यू आ जाएगा अपने के पास 1/2 माइनस टाइम्स 2 के बराबर, यानी पी का वैल्यू 2 × 4 में से एक जाएगा माइनस 3/2 के बराबर, पी आ गया माइनस 3/2 के बराबर और क्यू आ गया अपने के पास 1/2 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने पास पी और क्यू का ऑर्डर पेयर निकालने हैं तो पी कॉमा क्यू, पी अपने क्या आ जाएगा माइनस 3/2 के बराबर और क्यू 1/2 के बराबर, तो माइनस 3/2 और 1/2 किसके बराबर है, तो माइनस 3/2 और 1/2 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी के आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, और आसान क्वेश्चन थे जिसे टफ कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता था, इजी कैटेगरी में रखा जा सकता था। तो ये थे अपने 10 अप्रैल 2019 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था और काफी आसान क्वेश्चन, तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं और सेट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।